दिन भर के सह प्रायोजक हैं स्विगी, साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर में कोरोना वायरस ने दी दस्तक। 49 वर्षीय व्यक्ति में वायरस की हुई पुष्टि। संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश ने सफाई कर्मियों को सम्मानित कर बेसहारा असहाय लोगों में भोजन व मास्क का किया वितरण। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उर्वा बाजार थाना अंतर्गत हाटा बुजुर्ग गांव का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सांसद रवि किशन ने गोरखनाथ मंदिर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, जाना शहर का हाल। पंजाब में मजदूरी करने वाले मजदूर पहुंचे गोरखपुर। क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज व स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। कृषि मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, बरसात एवं ओलावृष्टि से नुकसान का आकलन कराते हुए किसानों को दिया जाए मुआवजा। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कई गाँव में ग्रामीणों ने रास्तों को किया सील। कोविड 19 से लड़ने के सानी हॉस्पिटल ने सीएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया मदद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने संबंधित अधिकारियों से कहा, कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसका रखा जाए ध्यान। जगह पुलिस ने शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार। शहर की 150 वर्ष पुरानी संस्था नेपाल लॉज द्वारा लॉकडाउन के दूसरे चरण में प्रतिदिन 1000 लोगों को कराया जा रहा है भोजन। एसडीएम सदर की पहल पर तहसील सदर गेट पर लगा आरोग्य सेतु बूथ। और जरूरतमंद लोगों के साथ ही बेजुबान बेसहारा पशुओं की भूख भी मिटा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता।